तो इमेजिन करो कि आप एक लाइफस्टाइल एसएमपी के अंदर खेल रहे हो और कोई प्लेयर आके आपके हेड को चुरा ले। वेल, वो हेड चुराने वाला प्लेयर और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। एंड आज मैं इस एसएमपी के सारे प्लेयर्स के हेड्स को चुराने वाला हूँ। एंड ये चीज मैं कैसे करने वाला हूँ ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सो इलाइट एसएमपी का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका था एंड बाकी नॉर्मल प्लेयर्स की तरह मैंने भी ग्राइंडिंग स्टार्ट कर ली थी, जिसकी वजह से मेरे पास में जो है एक बेस था और एक मैक्स आउट आर्मर था। बस कमी थी तो हार्ट्स की, और अगर हमें हार्ट्स चाहिए तो हमें एक दूसरे को मारना होगा। अरे देख, इलाइट एसएमपी के अंदर हमने लाइफस्टाइल के साथ में एक और एक प्लगइन ऐड करा है, पोशन स्टील वाला, है कि नहीं? हाँ, और वो पोशन स्टील का कॉन्सेप्ट भी तो एकदम सेम लाइफस्टाइल की तरह है ना। मतलब कि अगर तू किसी प्लेयर को स्पोर्टू भाई सॉरी आर यू सीरियस सॉरी मतलब मैं तो बता रहा था कि अगर तू किसी प्लेयर को मारेगा तो तेरे को ऐसा एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा जैसे मेरे को मिला है डॉल्फिन ग्रेस, ठीक है? और तेरे को क्या मिला? वीकनेस मिल गया। ब्रो सॉरी, हां तो वही मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा जो बंदा मरा होगा, है कि नहीं? हां तो देख, इन टोटल इस प्लगइन के अंदर जो है हमें 6 पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकते हैं। हाँ, और वो रैंडमली हो सकते हैं, लाइक कोई भी हो सकते हैं वो इफेक्ट, लेकिन हमें जिस स्पेसिफिक इफेक्ट की जरूरत है ना वो है हेल्थ बूस्ट का इफेक्ट। हेल्थ बूस्ट? हाँ हाँ हेल्थ बूस्ट। अरे देख, जो हेल्थ बूस्ट का इफेक्ट है ना उससे हमें 2 एक्स्ट्रा हार्ट्स मिलते, समझ रहे? ओ हाँ, और ये तो सही चीज है। हाँ तो मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान ये है कि मैं तेरे को मारूंगा, ठीक है? और अभी तो मेरे को फिलहाल के लिए डॉल्फिन ग्रेस मिला है, लेकिन मैं तेरे को तब तक मारूंगा जब तक के मेरे को वो ना मिल जाता हेल्थ बूस्ट। एंड जैसे ही मेरे थिंग इज क्या कि मेरे पास भी तो एक नेगेटिव रहेगा पूरे सर पूरे। अरे नहीं देख, मैं तेरे को अपना प्लान बताता हूँ, ठीक है? अभी सपोज कर लेके मैंने तेरे को मारा था, ठीक है, और मेरे पास में आया ये क्या कहते हैं अपना डॉल्फिन ग्रेस आया, ठीक है? अगर मेरे को डॉल्फिन ग्रेस की जगह अगर हेल्थ बूस्ट का इफेक्ट आता था अभी, तो मैं क्या करता था, अपने 2 एक्स्ट्रा हार्ट जो मेरे को मिले ना हेल्थ बूस्ट से उसको मैं विड्रॉ कर देता था और फिर तू मेरे को मार देता था, तो तेरा नेगेटिव चला जाता था, मेरा पॉजिटिव चला जाता था और हमारे पास में 2 एक्स्ट्रा हार्ट्स, है कि नहीं? ब्रो ये तो काफी एपिक है। हाँ तो ये ले, अभी अभी तू मेरे को मार दे, मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता। हाँ चल मार। हाँ मजा आ गया। हाँ चल ठीक है, अभी दे, अब मैं तेरे को मारूंगा, ठीक है? मिला? ओबे भैंस की क्या भाई नसीब, पहली बार। अरे भाई उसको मैं अभी फिलहाल के लिए विड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? ये विड्रॉ कर लिया और इस चेस्ट के अंदर कुछ है क्या? अच्छा इसमें कुछ नहीं, 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 नहीं। तो इसमें ये मैं 2 हार्ट्स रख दिया, ठीक है? अब मेरे पास में 8 हार्ट्स है, 7 मेरे और 1 तेरा, और अभी तू मेरे को मार दे तो मेरा हेल्थ बूस्ट चला जाएगा, मैं वापस से 7 हार्ट्स पे और 2 हार्ट्स एक्स्ट्रा। ओके व्हाट, आपकी हेल्थ 5, आपका हेल्थ कम हो गया? अरे यार नहीं वर्क कर रहा है ये भाई। ओ शिट, जैसा हमने सोचा था ये वैसा वर्क नहीं कर रहा है। भाई अगर वर्क करता तो कितना मजा आता यार। अरे एक्चुअली मैं इस बेसिस पे चल रहा था ना कि इसमें लाइफस्टाइल भी है ना, तो हार्ट्स एज अ लाइफस्टाइल में काउंट करेगा, मैंने ये सोचा था। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा तो ये ग्लिच वर्क नहीं करा, लेकिन अभी भी मेरे पास में सीजन 1 का एक ऐसा ग्लिच है जिससे कि हम एक और एक चीज कर सकते हैं। क्या? एक सेकंड, पहले मेरे को देखना होगा कि वो अभी भी वर्क करता है कि नहीं। यस मतलब? नहीं आप एक हार्ट पे हो? नहीं मैं एक पे भी नहीं हूँ। ये देख मैंने मतलब? अपने 7 के 7 हार्ट विड्रॉ कर लिए। हाँ सो बेसिकली सुन बेसिकली पिछले सीजन मेरे को जो है एक ग्लिच के बारे में पता चला था जिससे कि तुम वो हो सकते हो, लाइक काइंड ऑफ इमॉर्टल हो सकते हो, मतलब कि तुम बैन नहीं हो सकते सर्वर से चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए हमें वही करना होता है कि हमें अपने सारे हार्ट्स को विड्रॉ कर लेना होता है। अब टेक्निकली मैंने अपने सारे हार्ट्स को विड्रॉ कर लिया हूँ और अब मैं बैन नहीं होऊंगा। तो अगर मैं आपको मारूंगा तो मेरे को एक एक्स्ट्रा हार्ट मिलेगा, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसे ही वर्क करता है ना। So, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। ओके मार मेरे को। बट बैन तो नहीं हो सकते ना आप? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे पिछले सीजन हमने ट्राई करा था रे। मार। ठीक है, आई एम डूइंग दिस। यस यस। 3, 2, 1। फक। नो, आप एलिमिनेट हो गए। होली शिट मैन। मेरे को व्हाट? क्या हुआ? नो बोले। क्या हुआ? अरे स्पोर्टू भाई। क्या हुआ क्या? एक सेकंड। अरे हमने कुछ अलग ही क्लिच ढूंढ लिया। ब्रो मतलब मेरे कितने हार्ट्स अभी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे 10 हार्ट्स हो गए। हाँ? अरे हाँ ब्रो, पता है क्या हुआ? मैं 7 से आपको मारा, ठीक है? हाँ? मेरे हार्ट्स रीसेट हो गए। व्हाट क्या रीसेट? हाँ 10 हार्ट हो गए ना, रीसेट का मतलब तो यही होता है। व्हाट द हेक, हमें तो इससे ज्यादा, लेकिन आप एलिमिनेट हो गए यार। शिट
बनाने के लिए सामान है छोटू भाई। क्या हुआ? शेट हो गया। क्या शेट हो गया? घोस्ट घोस्ट थे वो सारे के सारे हार्ट्स? नहीं नहीं, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? हाँ हाँ। तो पहले तो आपने मेरे को मारा, मैंने आपको मारा, ठीक है? मेरे को मिला एक हार्ट। अच्छा, मेरा एक हार्ट। और एक सेकंड, तुमने तो बोला था कि तेरे हार्ट रीसेट हुए थे, तो एक हार्ट क्यों? अरे सुनो सुनो सुनो, और इफेक्ट भी तो मिलता है ना, तो मेरे को मिल गया हेल्थ बूस्ट आठ से मेरे। और साले तेरे को लगा कि तेरे हार्ट रीसेट हो गए? अरे यार, अब आपके लिए तो ये रिवाइव बीकन भी बनाना पड़ेगा मेरे को, बैन बैठे हुए। एक सेकंड एंग्री। क्या क्या? अभी भी हार्ट्स ले सकते हैं। कैसे? रिवाइव बीकन से। मतलब देख सुन, मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक काम कर, तू फटाफट से रिवाइव बीकन बना, और जब तू मेरे को रिवाइव कर रहा होगा ना, तू एक बार स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो अभी मैं जिस सर्वर में हूँ, उस सर्वर का नाम है केविन एमसी, जिसका मैं अभी रिसेंटली ओनर बना था, तो आप चाहे तो इस सर्वर में आके खेल सकते हैं। आईपी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिवाइव बीकन को ओपन कर अभी। ओके, अभी वो कर क्या कहते हैं अपना रिवाइव बीकन जो है ना, उसे ऑफ हैंड में ले। एफ प्रेस कर रिवाइव बीकन पे। हाँ, अभी मेरे को रिवाइव कर दे। हो गया मेरी वाइफ। What? Yep, आ रहा हूँ मैं लाइट में, एक सेकंड। ये तो फिर इन्फिनाइट है ना? हाँ इन्फिनाइट है। अरे भाई, ये तो फिर हम लोग ऐसे कितने हार्ट्स ले सकते हैं? अबे बहुत सारे हार्ट्स ले सकते हैं हम इससे। अबे कितने हार्ट्स हो जाएंगे अभी? मेरे पे 5 है अभी, और ये 7 लगा के 12 हार्ट्स हो गए। 12 हार्ट्स है? यप, 12 हार्ट्स है मेरे। एंड बाय द वे एंग्री, हाँ, वो रिवाइव बीकन मेरे को दे दे। ये लो। एंड एक और एक चीज, देखो अभी मरना होगा। क्यों? बिकॉज तूने मेरे को मारा था, तो मेरे पास में जो है अभी एक नेगेटिव इफेक्ट आ चुका है, सो उसके लिए देखो मरना होगा। ओके ओके, मारो। मेरा हार्ट ही नहीं क्या? ऐसे कैसे नहीं जाएगा? ओके okay. चला गया मेरा हंगर इफेक्ट, चला गया। अभी एक काम करते, रॉबी के हार्ट्स को ना ड्यूप करते। अभी रॉबी, तेरे पास में 6 हार्ट्स है ना, एक काम कर, वो सारे हार्ट्स विड्रॉ करके मेरे को दे दे। ये लो। ओके, अब अपना सामान किसी भी चेस्ट के अंदर रख दे और जाके बैन हो जा। लाओ में चल के मरा। चल ठीक है, कोई नहीं। अब वही सेम चीज करना है ना? हाँ सेम चीज करना है, उसको ऑफ हैंड में लिया मैं, एंड अभी रिवाइव कर देता हूँ। हो गया, रिवाइव हो गया। रॉबी आ जा। तो रॉबी, तेरे पास पहले कितने हार्ट्स थे? 6 हार्ट्स। हाँ, तो ये रहे तेरे 6 हार्ट्स। अब बता इन्हें लगा के तेरे पास टोटल कितने हार्ट्स हो गए? 11। सो इतने हार्ट्स काफी है या फिर और हार्ट्स चाहिए तेको? नहीं 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 नहीं, मुझे और हार्ट्स चाहिए। रखो, मैं एक और बार बैन हो रहा हूँ। तो जब तक हम हार्ट्स को ड्यूप कर रहे हैं, तब तक मैं आपको जो है एक अनाउंसमेंट के बारे में बता देता हूँ। अब देखो, इसको स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि भाई बाद में तुम लोग ही पछताओगे। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ, एंड अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बरकरार रहा, तो शायद से इस वीडियो के बाद में मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स इजीली हो जाएंगे। सो जैसे ही मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज करने वाला हूँ मेरी ऑडियंस के लिए। सो आप में से कोई 5 लकी बंदों को मौका मिलेगा इलाइट एसएमपी में विजिट करने का। जी हां गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आप लोग मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स करवा लोगे, आपको जो है मौका मिलेगा इलाइट एसएमपी में एक बार विजिट करने का और अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ में खेलने का। सो आपको पता है कि आपको क्या करना है? बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे 100 के हो जाए। एंड हां, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहीं से 5 लकी बंदों को जो है चूज करने वाला हूं। एंड हां, एक और चीज बता दूं कि मैं अपने 100 के का टेक्सचर पैक भी अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे ही रिलीज करने वाला हूं। सो यार, ज्वाइन कर लेना। एंड यार, इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूं 30K लाइक्स का। अगर करवा सकते हो लाइक एम कंप्लीट तो करा देना। और हाँ, अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ पर हार्ट्स को ड्यूप कर ही रहे थे, तभी हमारे साथ में एक ऐसी चीज हो जाती है जिससे कि सब कुछ चेंज होने वाला था। ओके एक सेकेंड अबे एंग्री रुक। रॉबी जब मरा, तब लिख के आया रॉबी टॉन वॉज एलिमिनेटेड, लेकिन तेरे टाइम पे नहीं लिख के आया एंग्री। मतलब तू बैन नहीं हुआ? व्हाट, मैं जिंदा हूँ। नहीं नहीं, रिवाइव बीकन में तो व्हाट क्या हुआ भाई? रॉबी पे लिख के आ रहा है बैन फॉर 23 आवर्स, एंड एंग्री तेरे हेड पे लिख के आ रहा है बैन फॉर इन्फिनिटी। व्हाट? नहीं नहीं ऐसा भाई, तो मैं हमेशा के लिए बैन हूँ क्या? आई डोंट नो ब्रो। व्हाट एंग्री शिट, तू रिवाइव नहीं हो रहा है? नहीं 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 नहीं, स्पोर्टो भाई, बाप ये मत बोलना कि मैं परमानेंट। एक सेकंड, मैं जरा रिवो करता हूँ, वापस से रीजॉइन करता हूँ मैं। एक सेकंड, इलाइट में मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, ठीक है? आ गया मैं। व्हाट व्हाट द फक, क्या हुआ क्या हुआ? एक सेकंड रुको, क्या हुआ? ए यो भाई, अनमैन करो ना। क्या नहीं हो रहा अनमैन में? कैसे भाई, तुम्हें पता नहीं है एंग्री रॉबी अभी यहाँ पर मेरे पास में क्या आ चुका है? ओह शिट रॉबी, मैं तेरे को रिवाइव कर रहा हूँ, जल्दी से सर्वर में आ, जल्दी से फटाफट आ। क्या हुआ? हुआ क्या? आ गया मैं। हाँ, मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है मेरे? ए व्हाट, ये है? आई डोंट नो भाई। एक सेकंड क्या क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ भाई? मेरे को यार, मेरे को भी थोड़ा सा क्लियर है जो लाइफस्टाइल स्टिम भी। यस हैं,
प्लेयर हेड वही तो लिटिल एंग्री का देना मेरे को देना मेरे को देना हां ये ले हेड ले अभी भी एंग्री अभी ओह शिट एक सेकंड क्या हुआ रॉबी मैंने इसका हेड प्लेस किया ये रिवाइव हो गया व्हाट रिवाइव हो गया और मेरे से हेड गया भी नहीं क्या मजाक कर रहा है तू व्हाट क्या कह रहे हो मैं व्हाट अभी थोड़ी टाइम पहले हमारे साथ में जो कुछ भी हुआ उससे हम कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुके थे आउट ऑफ नोवेयर मेरी इन्वेंटरी में एंग्री का हेड आ जाता है और उसी हेड से एंग्री रिवाइव हो जाता है लाइक व्हाट द फक ब्रो हाउ इज दिस पॉसिबल इन अ लाइफस्टाइल एसएमपी टीम ऐसा तो सब पॉसिबल है यार लेकिन अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था लेकिन भाई आपके पास ये हेड आया कैसे क्या अपने आप ही आ गया इन्वेंटरी में हाँ लाइक मतलब देख मैंने देख बोला था ना कि एंग्री जो है वो बैन फॉर इन्फिनिटी उस पे हेड पे लिख के आ रहा था और एंग्री रिवाइव नहीं हो रहा था मैं बोल रहा था ना कि मैं एंग्री तेरे हेड पे क्लिक करे जा रहा था तो वही है फिर उसके बाद में मैंने बोला कि मैं जो है एक बार मैं रीजॉइन करता हूँ शायद से वो फिक्स हो जाएगा फिर जैसे ही मैंने रीजॉइन करा मेरी इन्वेंटरी के अंदर एंग्री का हेड था तो शायद से ऐसा हो सकता है कि मैं एंग्री के हेड पे बार बार क्लिक कर रहा था तो इसीलिए शायद से कुछ ग्लिच के थ्रू शायद से मेरी इन्वेंटरी में एंग्री का हेड आ गया होगा क्लिक करे ही जा रहे थे तो आपके मतलब ये कह रहे हो ना कि आपके कर्सर में उसका हेड आ गया था और फिर उसके बाद रुको सुनो एक काम करते अगर मैं एंग्री का हेड ले पाया हूँ तो चांसेस है कि मैं रॉबी का भी हेड ले सकता हूँ एक काम कर रॉबी तू बैन हो जा ट्राई करते एंग्री की तरह मैं तेरा भी हेड ले पाऊँ चलो मैं हो गया बैन हो गया ना व्हाट क्या एक सेकंड क्या हुआ अरे मैं रैंडमली हेड को प्लेस कर रहा था मेरे क्या हुआ क्या मेरे स्क्रीन पे पता क्या लिखा है रॉबी रिवाइव रॉबी डॉन व्हाट कुछ भी अरे मैं रैंडमली हेड को प्लेस कर रहा था तेरे कहने का मतलब ये है कि तूने अपने हेड से रॉबी को रिवाइव करा हाँ तो पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद से ये एंग्री का हेड है इसीलिए इसने एंग्री को रिवाइव करा लेकिन अभी जो चीज हुई उससे मैं कम्प्लीटली शॉक हो चुका था एंग्री के हेड से रॉबीटॉन रिवाइव हो गया था मतलब कि ये प्लेयर हेड जो है एक रिवाइव बीकन की तरह काम कर रहा था एक काम करते रॉबी तू ये हेड को ले मैं और एंग्री जो है ना अभी बैन होने के लिए जाते और तू जो है एंग्री के हेड से देखना कि हम दोनों रिवाइव हो पाते या नहीं हो पाते भाई हमें गलती से कैसे मिल रही है में एक चीज आई है ठीक है अगर एंग्री मरा तो फिर एंग्री का लिखा आया और एंग्री रिवाइव हो गया ठीक है उसके बाद मैं मरा तो फिर मेरा लिखा आया अब लास्ट में जब मैं प्लेस कर रहा हूँ तो लिखा रहा है कि प्लेयर रॉबीटॉन इज नॉट एनिमिनेटेड तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बंदा सबसे रिसेंट में बैन हुआ है समझ रहे हो लेट्स सी रिसेंट में जो बैन होगा उसका नाम आएगा पहले कौन मरा है मेरे को बताना जरा पहले एंग्री गया मैं भी मर गया अब मैं रिवाइव कर रहा हूँ ओके पहले एंग्री रिवाइव हुआ और फिर आप रिवाइव हो गए एक ही हेड से दोनों को भी रिवाइव कर दिया तुमने एक ही हेड से दो प्लेयर रिवाइव हुए और ऑर्डर में गया यानी अगर अब मैं प्लेस करूंगा तो लिखा आएगा प्लेयर नॉट स्पॉट टू इज नॉट एलिमिनेटेड मतलब कि ये हेड एक्चुअल एक रिवाइव बीकन की तरह वर्क कर रहा है ओ माय गॉड अब यहाँ पर मुझे ये तो पता चल गया था कि ये प्लेयर हेड जो है एक एक्चुअल रिवाइव बीकन की तरह वर्क कर रहा था लेकिन अभी भी मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं चला था कि मैं वापस से प्लेयर हेड को किस तरीके से ऑब्टेन कर सकता हूँ लाइक इतना तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि भाई एंग्री का हेड मेरे को गलती से मिला है ये मोस्ट प्रोबेबली लैग की वजह से हो सकता है या फिर कुछ और रीजन होगा बिकॉज तुम लोग को जो है मैं कंटिन्यूसली अनबैन कर रहा था तो शायद से उसके वजह से कुछ ग्लिच हुआ होगा एक काम करता हूँ रॉबी अभी तू ना जाके बैन हो जा और मैं क्या करता हूँ पता है मैं जो है ना तेरे हेड पे क्यू प्रेस करता हूँ हो सकता है कि हेड ड्रॉप हो जाए ठीक है ये पकड़ो ओके मैं बैन हो गया ओके बैन हो गया ना हां ठीक है अब मैं रिवाइव बीकन को ओपन करता हूं हां ओके अभी मैं यहां पर क्यू प्रेस हां अबे व्हाट भाई मैंने क्यू प्रेस करा लेकिन तू रिवाइव हो गया अरे तो व्हाट इफ आप मेरे को रिवाइव करने के बाद मेरे हेड पे क्यू प्रेस करो तो शायद से मेरा ड्रॉप हो जाएगा कुछ भी कह रहे हो मतलब हां ऐसा कैसे हो सकता है रिवाइव के बाद हेड पे क्लिक कर सकते देखो मेरे पास में एक आइडिया है रॉबी वापस से जाके प्लीज एक बार बैन हो जा ब्रो हो गया ना बैन अब एंग्री मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना ठीक है जब मैं तेरे को बोलूं तब तेरे को जो है रॉबी को इस प्लेयर हेड से रिवाइव करना है ठीक है ओके रिवाइव कर रॉबी को वो हेड से करूं जल्दी फटाफट कर हो गया ओह शिट What? Oh, अरे मेरे को भी तो बताओ रॉबी जल्दी सर्वर में आओ जल्दी ये देख अरे भाई छोटा रॉबीटॉन आ गया भाई ये कैसे किया आपने मैं बताता हूँ रुको अभी मैं जो है ना बैन होता हूँ और फिर मैं तुम्हें जैसा बोलूंगा वैसा करना तुम ठीक है ओके मैं बैन हो गया अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना ठीक है रिवाइव बीकन रॉबी के पास है ना यस हाँ तो रॉबी एक काम कर अभी तू रिवाइव बीकन को ओपन कर लिया ओपन अब मेरी बात ध्यान से सुनो एंग्री तू मुझे वो प्लेयर हेड से रिवाइव करेगा एंड रॉबी जैसे ही तेरे को टोटम की आवाज आए ना तू मेरे हेड के ऊपर क्यू प्रेस कर देना ठीक है ओके इन 3 2 1 गो हो गया हो गया ना
हो गया ठीक है आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ब्रो हम पे हम तीनों के हेड से हाउ लाइफ स्टील खेल रहे हैं हम लोग, नॉट रॉबी 66। अब फाइनली मुझे ये पता चल चुका था कि मैं कैसे प्लेयर हेड्स को ऑब्टेन कर सकता हूँ, एंड इसी ग्लिच का यूज करके मैं एसएमपी के सारे प्लेयर्स के हेड्स लेने वाला हूँ। लेकिन स्पोर्ट भाई आपको तो पता है ना कि किसी भी प्लेयर का हेड लेने से पहले हमें उस प्लेयर को बैन करना होता है, तो हम सारे एसएमपी मेंबर्स को बैन कैसे करने वाले हैं? हम उन्हें बैन नहीं करेंगे, वो खुद बैन होंगे। देख कोई भी प्लेयर जब अनबैन होता है तब उसके पास में 5 एक्स्ट्रा हार्ट्स होते हैं, तो हम प्लेयर्स को ये कहेंगे कि आप जो है बैन हो जाओ और हम आपको तुरंत से अनबैन कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास में जो है 5 एक्स्ट्रा हार्ट्स आएंगे। तो हार्ट्स के लालच में तो प्लेयर्स अपने आप ही बैन हो जाएंगे ना। अब यहाँ पर मेरा प्लान तो काफी ज्यादा सिंपल था, एंड हार्ट्स के लालच में ज्यादातर मेंबर इजीली बैन हो रहे थे, लेकिन कुछ मेंबर्स कुछ नहीं होगा, विश्वास रख ब्रो, मैं इसको मार दूंगा। ये वैसे किया ही नहीं, किया ही नहीं, नहीं कर रहा है कर पिंटेक्स, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ, अरे सच, ट्रस्ट कर, ट्रस्ट कर, हम पे ट्रस्ट कर। पिंटेक्स कितना स्लैश एलिस 8। अरे एट करना है, क्या कर रहा है तू पिंटेक्स, क्या कर रहा है तू? उसको डर लग रहा है, उसको डर लग रहा है, उसको डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो पहले खाली हो, रख ले, रख ले सारा सामान, रख ले सारे सामान, रख ले तेरे हार्ट्स भी, तू रखना ही है तेरे को भी, टेंशन मत ले तू। गारंटी हम दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पिंटेक्स, एलएस कर, एंटर कर, कुछ नहीं होगा। देखा कुछ हुआ, बस नथिंग हैपेंड। अभी अपने हार्ट्स को उसमें रख दे, ई चेस्ट में, ई चेस्ट में शल्कर वगैरह में, हां उसमें रख दे, रख दे, प्लीज हटा दे, थोड़ी देर के प्लीज हटा दे, प्लीज हटा दे, प्लीज हटा दे, या गोट हॉर्न हटा दे। हां अब देखो रिस्पॉन पॉइंट, अरे क्या कर रहा है भाई यार, पर सुन, अब सुन तेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट है ना, हां तेरे को मार दे। अबे अब देख तेरे को बैन हो गया, प्लीज वो वो। तो जैसे तैसे करके मैंने सारे मेंबर्स को हार्ट्स का लालच देके कन्विंस कर लिया था बैन होने के लिए, एंड सारे मेंबर्स बैन भी हो गए थे। एंड यहाँ पर प्लेयर्स को अनबैन करने के बहाने मैं उनके हेड्स को ले रहा था, एंड देखते ही देखते मैंने एसएमपी के सारे प्लेयर्स के हेड्स को ले लिया था। तो विकास भाई अभी हम आपको किसी से मिलाना चाहते हैं, कोई नया मेंबर है? यो व्हाट्स अप गाइस, क्या बात है, ये कहाँ से लाए, क्या बात है। Hey, how's going everyone? My name is Madi Pai. भाई सही है भाई, सही। अभी पूरा एरोप्लेन यहाँ पे लाओगे? लाने को तो ला सकते विकास भाई वैसे हम, लेकिन हम सारे यूट्यूबर्स के हेड कलेक्ट करेंगे। हाँ चाहे वो इलाइट में हो या ना हो, कर सकते हैं कलेक्ट हम, मतलब के कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा स्मार्टी पाई का हेड है, एंड फिर टेक्नो गेमर्स का हेड, उसके बाद में एक और एक हेड गेमर फ्लीट का हेड। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि स्पॉटू तूने स्मार्टी पाई, टेक्नो गेमर्स और गेमर फ्लीट का हेड कैसे लिया। सो बेसिकली इनके हेड लेना तो काफी ज्यादा सिंपल था। सो यहाँ पर मैंने रॉबी को बोल दिया था कि वो टेक्नो गेमर्स की स्किन को पैन कराए, और जब रॉबी टेक्नो गेमर्स की स्किन को पैन कराया तब मैंने उसे बैन होने के लिए बोल दिया, एंड फिर मैंने वही सेम ट्रिक से जो है रॉबी का हेड ले लिया। लेकिन रॉबी ने जो है टेक्नो गेमर्स की स्किन लगाई थी, इसलिए रॉबी के हेड के ऊपर भी जो है टेक्नो गेमर्स की स्किन थी, एंड इस तरीके से मेरे पास में जो है टेक्नो गेमर्स का हेड आया था। अब यहाँ पर मेरे पास में सारे प्लेयर्स के हेड्स तो आ चुके थे, लेकिन अभी भी एक चीज करना बाकी थी। तो रमेश भाई और पिंटेक्स, एक्चुअली मैंने यहाँ पर आपको बुलाया हूँ एक चीज दिखाने के लिए। सो ये जो चीज है, ये आज तक किसी ने भी लाइफ स्टाइल एसएमपी के अंदर ऑब्टेन नहीं करा है। क्या आप गेस कर सकते हो कि वो क्या चीज है? क्या है? नहीं, वो चीज है ये। What? भाई एक ये लाइफ स्टील एसएमपी हेड स्टील। अब रमेश भाई आप मेरे साथ में आओ, एंड एंग्री तू पिंटेक्स को वहाँ पे लेके जा। ये आप देख सकते हो रमेश भाई, ये है पिंटेक्स का हेड, ठीक है? हाँ हाँ। और अब मैं ये आपको दे रहा हूँ। ओह नाइस। आपको ये हेड को पहनना है रमेश भाई। हाँ हाँ। अगर आपको अपना हेड वापस चाहिए पिंटेक्स से, और पिंटेक्स तेरे को अगर अपना हेड रमेश भाई से वापस चाहिए, तो तुम लोगों को पता है किस तरीके से लेना है, क्योंकि उस हेड पे कर्स ऑफ बाइंडिंग की एन्चेंटमेंट लगी हुई है। सो समझदार हो तुम लोग मेरे ख्याल से, पता है तुम लोगों को अभी क्या करना होगा। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर मैं चाहे तो इन्हें नॉर्मली इनके हेड्स दे सकता था, इन्हें आपस में लड़ाने का मोटिव क्या है। एक्चुअली ये तो सिर्फ मेरी एक चाल है, मेरा एक्चुअल मोटिव तो कुछ और है, और सही टाइम आने पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। खत्म खत्म, अब तो खत्म, अब तो रमेश भाई गए, अब तो गए, अब तो गए। ओए गया यार। अब आई नो कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके होंगे कि भाई आखिर मैंने रमेश भाई को मारा क्यों। तो मेरे ख्याल से यही वो टाइम है जब मैं आपको सब कुछ बता दूं। तो बेसिकली रमेश भाई ने टीम एस को बिट्रे करा था, उन्होंने लिविंग और मिस्टर बॉट को बुलाया था हमें मारने के लिए, और इतना ही नहीं उन्होंने हमारे बेस के कॉर्ड्स भी लीक कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारा बेस ग्रीफ हो चुका था। एंड क्योंकि रमेश भाई ने हमारे साथ में इतना कुछ करा है, तो उनकी खातिरदारी करना भी तो टीम एस का अधिकार है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी।
कैसे हो रमीश भाई? रुको, एक सेकंड रुको। रमीश भाई नहीं, रमीश भाई बिल्कुल नहीं, कोशिश भी मत करना, खत्म करो रमीश भाई को, खत्म करो, जाओ नीचे फटाफट। रुको, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, अरे रुको यार, रमेश भाई कहाँ जा रहे हो, साले ये जो तुम भसड़ मचा रहे हो ना, रुको, भाई कुत्ते की तरफ पीछे पड़ गए, अब हम मैक्सिमम कुत्ते भाग गए, अरे रुक जाओ, बैन हो जाएंगे, आई थिंक मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस टाइम पे, हेलो गाइस, हाँ बोल, कोई तो टीमेस के साथ बिटरी किया था लेकिन हां वही तो रमेश भाई, ये लो रमेश भाई, तू सोच तेरा क्या बनेगा, अरे क्या आप धमकियां किसे दे रहे हो यार, अरे रुक जाओ, रमेश भाई को रिवाइव करो, अरे हेड से करना रॉबी, हां चलो गए रमेश भाई, आ जाओ सर्वर में यार, अब मुझे बुरा लग रहा है भाई, ये क्या धर लिया, बुली कर दिया भाई, कैसे हो रमीश भाई, आप कैसे हो रमीश भाई बताओ, छोड़ दो यार उन्हें फालतू में मार रहे हो तुम यार, अच्छा बात नहीं है ये, ऐसा मारते रहने का, उन्हें कुछ बोलने दो भाई, इतना क्लियर हो गया, काम करो रमेश भाई, आप आराम से बैठो इस बोट के ऊपर, आ जाओ, हाँ बोट पे बिठाओ यार, उन्हें बोट पे बिठाओ, अरे बैठो रमेश भाई, बोल रहा हूँ बैठो तो बैठो, शांति से बैठो, बैठो यहाँ पे शांति से, ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ इसका बहुत, बैठो जल्दी बैठो, हाँ ठीक है, चलो अब बताओ रमेश भाई कैसा लग रहा है टीम एस को बिट्रे करके, भाई टीम एस गई भाई, अब तो भाई मजा आएगा, तो नहीं भाई टीम एस के बारे में कुछ बोलना नहीं, रमेश भाई कम बैक, खा लो हमारी तरफ से गिफ्ट, खा लो, हाँ खा लो, अरे खाओ यार, खाती नहीं है यार, ये तो गलत बात है, खाओ यार, चलो बाय बाय, चलो यार बाय बाय।